मधुमक्खी और चींटी। एक जंगल था, उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। सभी जानवरों का राजा हाथी बनता था। वह सभी को डराता, सबको धमकाता और पूरे जंगल में अकेले राज करता था। सभी जानवर उसे बहुत परेशान रहते थे। सभी जानवर के साथ साथ पंछी भी उससे बहुत परेशान रहते थे। सभी चाहते थे कि आखिर ऐसा क्यों परेशान करता है हाथी, इसको इतना घमंड क्यों है, कुछ तो करना चाहिए जिससे इसका घमंड क्षण भर में दूर हो जाए। सभी जानवर बहुत कोशिश करते थे कि हाथी का घमंड को तोड़ दिया जाए, लेकिन कोई नहीं सकता था। उसके सामने जो भी जानवर आता उसे वह धमकाकर तुरंत भगा देता था। पंछी को भी पेड़ पर नहीं बैठने देता था। जब भी कोई बर्ड पेड़ पर रहती थी तो उस पेड़ को वह उखाड़ फेंकता था। सभी बहुत परेशान रहते थे। एक दिन सभी जानवर आपस में सलाह किए कि अब हमें इस जंगल को छोड़ देनी चाहिए ताकि इस हाथी का आतंक से बचा जा सकता है। इतने में एक छोटी चींटी को तरकीब सूझी। वह बोला कि आज हम लोग कोशिश करते हैं हाथी के घमंड को दूर करने के लिए। सभी कोई चकित हो गए। वह सोचने लगे कि आखिर इतनी छोटी चींटी कैसे हाथी का घमंड तोड़ सकती है, उसे तो हाथी एक क्षण में मौत के घाट उतार देगा। फिर भी चींटियों का झुंड हाथी का घमंड तोड़ने के लिए तैयार हो गया। सुबह हुआ, पंछी उड़ने लगे, सभी चहचहाने लगे, बाकी जानवर भी अपने भोजन की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगे। तभी बहुत ज़्यादा झिंगाड़ने का आवाज़ आया। हाथी सबको डरा रहा था, बोल रहा था कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, इस जंगल का राजा मैं हूँ, मेरे सामने कोई भी नहीं आ सकता है, जो भी मुझसे टकराएगा वह चूर हो जाएगा। तभी बगल से चींटी आई, यह देखकर वह हंसने लगा, हा 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 हा, ये चींटी, इसे तो मैं तुरंत ख़त्म कर दूंगा। तभी बहुत सारे चींटी मिट्टी के घर से निकलने लगे। यह देखकर उसके सारे घर को हाथी बर्बाद कर दिया। उन लोगों को बहुत दुख हुआ। वे धीरे धीरे अपने घर से निकलकर उसके नाक पर घुसने लगे और कुछ चींटी उसके कान पर भी घुसकर उसे काटने लगे। इतने में हाथी को बेचैनी शुरू हो गई। वह रोने लगा, मुझे छोड़ दो चींटी, मैं आज के बाद कभी ऐसा गलत काम नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। सभी जानवर आकर देखकर खुश होने लगे, बहुत खुश होने लगे और बोलने लगे, एक छोटी सी चींटी ने हाथी का घमंड तोड़ दिया। सभी जानवर खुश होने लगे। हाथी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। वह बोलने लगा कि आज के बाद मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा और सभी कोई खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। सीख, अपनी ताकत का प्रयोग हमेशा अच्छे कामों पर करना चाहिए और कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए।